नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। लगातार विपक्ष कोरोना की इस महामारी में हो रहे कुप्रबंधन को लेकर सरकार की नींव हिलाए हुए हैं। एक तरफ जहां तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार को ये एहसास करा रहे हैं कि उनके साथ विपक्ष खड़ा है, वहीं केंद्रीय मोदी सरकार पर दोनों एक साथ हमलावर हैं। आपको बता दें कि कल ही तेजस्वी यादव ने एक बहुत ही भावुक पोस्ट लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं मदद करना, लेकिन एक निश्चित समय के बाद ऑक्सीजन की जब आवश्यकता पड़ जाती है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है लाख प्रयासों के बावजूद, तो ये समस्याएं विकराल हो जाती हैं। तब हम चाह कर भी मदद नहीं कर पाते हैं और लोगों की जान जाती। इसके बाद तेज प्रताप यादव ने भी एक खुले पत्र के माध्यम से नरेंद्र मोदी को यह एहसास कराया था कि उन्होंने कैसे बिहार के साथ धोखाधड़ी की। उन्होंने बताया कि बिहार के केवल 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने कहीं ना कहीं यह एहसास करा दिया कि बिहार के केवल 15 जिलों पर ही उनका फोकस है, बाकी जिलों में क्या हम चुनावी भाषण सुनाकर लोगों को ठीक करें। इसके अलावा विपक्ष पॉजिटिविटी रेट को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, और ये भी कि कैसे जाँच कम होती जा रही है। बिहार में वैक्सीनेशन काफ़ी स्लो हो रही है क्योंकि बिहार में कोरोना का प्रकोप बढ़ा हुआ है, लोग सड़कों पर बहुत नहीं निकल रहे हैं, लॉकडाउन को लेकर सरकार गफलत में है, कोर्ट सरकार की फजीहत कर रही है, लोग लगातार हॉस्पिटल में परेशान हैं, किसी को रेमडेसिविर दवाई चाहिए, किसी को इंजेक्शन चाहिए, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को वेंटिलेटर चाहिए, और ये सारी चीज़ें हर जगह उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। इसको लेकर अफरा तफरी मची हुई है। वहीं इन सबके बीच तेज प्रताप यादव ने जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं या कोरोना जिनके घरों में कोरोना के मरीज मर रहे हैं, उन लोगों से आग्रह कर दिया है कि जाते जाते एक बार वो वोट डालते जाएं। सीधे तौर पर वो बंगाल के चुनाव और बिहार में जिस तरीके से भाजपा अपने आप को ऑपरेट कर रही है, इस पर हमला किया है और उन्होंने कह दिया है ट्विटर के माध्यम से। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया है कि मरने वालों से ये गुजारिश है, एक जरा वोट डालते जाएं, और नीचे उन्होंने लिख दिया है सिस्टम। तेज प्रताप यादव सीधे तौर पर ये सार्कास्टिक ट्वीट कर रहे हैं और उन्होंने केंद्र सरकार के बंगाल वाले पूरे मामले पर ट्वीट करते हुए ये सब कुछ कहा है। जिस तरीके से बंगाल में भाजपा रैलियां कर रही थी और लोगों के बीच बड़े बड़े झुंड के बीच जाकर खुलेआम रैलियां कर रही थी और मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का जो प्रोटोकॉल है उसे फॉलो नहीं कर रही थी, इस पर चुटकीला एक तरह से उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग गुजर रहे हैं उनसे आग्रह किया जा रहा है कि गुजरने से पहले एक बार भाजपा को वोट देते जाएं ताकि भाजपा की सरकार बंगाल में और अन्य जगहों पर भी बनते रहे। सीधे तौर पर वो इस बात का हमला कर रहे हैं कि जहाँ एक तरफ लोग मर रहे हैं वहीं सरकार चुनावों पर फोकस बढ़ाई हुई है। इन सब हमलों के बीच तेज प्रताप यादव ने जो नाम लिखा है जिस ट्वीट के नीचे वो अपना क्रेडिट दिया जाता है, उसमें उन्होंने लिख दिया है सिस्टम। यानी कुछ दिनों पहले जिस तरह से नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने सिस्टम की दुहाई दी थी, उसका पूरा मामले को उन्होंने फिर से एक बार रिपीट कर दिया है और जो लोग कोरोना से जिनकी मौत हो रही है उनसे आग्रह किया है कि एक बार जाते जाते भी वो नरेंद्र मोदी को वोट दे दें। क्या लगता है आपको, केंद्र सरकार चुनावों को लेकर ही फोकस्ड है या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री लोगों के साथ जब मन की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा किसी को भी ऑक्सीजन की कमी से मरने नहीं दिया जाएगा, किन बात पर आपको ज़्यादा भरोसा है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। वो ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।